नमस्कार दोस्तों, श्रीराम चोलो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है कि अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक सोलर के रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट किया था कि जो है अभी एक हम पीएम सूर्योदय योजना या पीएम मुफ्त बिजली योजना का जो है शुभारम्भ कर रहे हैं। तो इसमें अभी एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है और बहुत सारी चीज़ों का मतलब इसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा, तो उसी रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं करूँगा, बहुत ही जो सिंपल एक आम आदमी के जो क्वेश्चंस रहते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर मैं बात करूँगा। देखिए, अभी जब राम जन्मभूमि या राम मंदिर का जो है लोकार्पण हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाने की योजना के लिए अनाउंसमेंट किया था। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहली बात तो कि 1 करोड़ घरों में जो सोलर सिस्टम लगेगा वो किन लोगों के लगेगा या कौन लोग हैं जो इसमें जो है एलिजिबल हैं या पात्र हैं, तो इस सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो मोदी जी ने जो घोषणा की थी वो 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाने की घोषणा की थी जो कि रेजिडेंशियल यानी रूफटॉप सेगमेंट में आएगा और इसका टारगेट रखा है कि 1 ईयर यानी 1 साल में हमको 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाने हैं जिसमें कि 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। अब पहले तो ये चीज़ समझते हैं कि जो योजना का नाम है कि पीएम मुफ्त बिजली योजना, तो इस नाम को पहले हमें समझना पड़ेगा या इस योजना को पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए, मुफ्त लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको सोलर सिस्टम मुफ्त में मिल जाएगा, इसके लिए अपने को इस योजना को समझना पड़ेगा। देखिए, वो मुफ्त जो बात कर रहे हैं वो मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं यानी आपके घर में जो जनरेशन होगा उसमें जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल नहीं आएगा। और ये जो योजना उन्होंने बनाई है ये सबसे पहले तो जो पीएम आवास योजना में जो घर बने हुए हैं या जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं जैसे कि जिनकी आय जो है 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर अंदर है सालाना, तो उन लोगों को जो है ये इस योजना का लाभ सबसे पहले मिलेगा। तो बेसिकली कहा जाए तो इसमें हर कोई व्यक्ति नहीं अप्लाई कर सकता है और ना ही वो एलिजिबल है। इसमें सिर्फ जो बिल्कुल जिनकी आय 1.5 लाख से कम है चाहे वो कोई भी हो तो वो इसमें जो है वो पात्र रहेगा। इसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो 60% जो है वो सब्सिडी देगी, बाकी 40% आपको ही बियर करना पड़ेगा। यानी जो कस्टमर इसको लगवाएगा 40% उसको देना होगा और 60% जो है वो गवर्नमेंट देगी। वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेट का अगर कोई सब्सिडी, क्योंकि ये सेंट्रल का वो है, ये सेंट्रल की योजना है, तो अगर आपका स्टेट कुछ इसमें सब्सिडी देता है तो वो बेनिफिशियल रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखा जाए तो उसमें जो है स्टेट का अलग सब्सिडी है और गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल का जो है वो अलग। इसमें जो है वो डिपेंड करता है कि यूनिट आपके कितने आ रहे हैं यानी आपका जो है कंजप्शन क्या रहेगा, आपका पर मंथ का क्या कंजप्शन है। जैसे कि मान लीजिए आपका 0 से 150 यूनिट अगर आपका आता है तो आप 1 से 2 किलोवाट सिस्टम लगा सकते हैं जिसमें 1 किलोवाट पे 30,000 और 2 किलोवाट पे 60,000 रुपये की सब्सिडी है। उसी तरीके से मान लीजिए आपका यूनिट कंजप्शन जो है वो 150 से 300 है तो आप उसमें जो है 2 से 3 किलोवाट लगा सकते हैं जिसमें 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट पे 78,000 रुपये की सब्सिडी है। और अगर आपका जो कंजप्शन है यूनिट का वो 300 यूनिट से ज़्यादा है तो आप उसमें जो है वो 3 किलोवाट लगा सकते हैं और 10 किलोवाट तक इसमें जो है एलिजिबल है यानी 10 किलोवाट तक आपको सब्सिडी मिलेगी और सिर्फ रेजिडेंशियल में घरों पे जो लगेगा, ऑफिस में या कमर्शियल सेगमेंट में कोई भी सब्सिडी इसमें नहीं दी गई है। तो मैक्सिमम आप अगर 10 किलोवाट लगाएंगे तो भी 78 ही मिलेगा और अगर आप 3 किलोवाट तक भी लगाएंगे तो भी आपको 78 ही सब्सिडी मिलेगी, 78,000। अब जो 300 यूनिट का कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी कैलकुलेशन गवर्नमेंट ने किया है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी का 1 किलोवाट का अगर अपन सिस्टम लगाते हैं तो 4 से 5 यूनिट एक दिन में वो बनाता है, उसी हिसाब से 2 किलोवाट का अगर करते हैं तो 8 से 10 यूनिट वो बनाएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर 10 यूनिट को हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो 300 यूनिट होता है यानी मंथली कंजप्शन हो गया 300 यूनिट। तो ये जो 300 यूनिट का जो है मुफ्त बिजली का जो ये जो लाइन लिखी गई है वो इस तरीके से लिखी गई है और उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से किया गया है। तो आप इसको बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूजन में ना आए कि ये योजना बिल्कुल मुफ्त है, नहीं, इस योजना पर सब्सिडी है यानी 60% सब्सिडी आपको मिलेगी, बाकी 40% आपको ही बियर करना पड़ेगा। और ये योजना जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ऑनलाइन है, इसमें किसी भी तरीके का ऑफलाइन कोई भी काम नहीं होगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल पोर्टल बनाया हुआ है सोलर रूफटॉप GOV.in, बाकी अभी उसको अगर आप वो भी खोलेंगे तो भी आपका जो है पीएम का जो मुफ्त बिजली योजना है वही खुलेगा, ठीक है।
बाकी मैं लिंक आपको दे दूंगा और अभी वीडियो में भी वो शो हो जाएगा कि वो कैसे करना है आपको। अप्लाई करना बहुत ईजी है, नॉर्मल हम जैसे एक फॉर्म भरते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको फॉर्म भरना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं दी गई है। तो गवर्नमेंट ने जो है सीपीएसयू जो यानी सेंट्रल पब्लिक जो एजेंसियां हैं उनको ऑलरेडी एलोकेशन दे दिया है, जैसे एनएचपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो इनको जो है एक काम डिवाइड कर दिया है और इनको एक टारगेट दे दिया है कि साल भर में आपको एटलीस्ट जो है 1 करोड़ घरों को जो है आपको टारगेट करना है, और आप इसको कैसे करते हैं वो उनको डिसीजन लेना है, यानी वो किस तरीके से उसको बांटते हैं, या जैसे मान लीजिए एनटीपीसी ने दिया तो उसके नीचे जो भी वेंडर्स होंगे या सब वेंडर्स होंगे उनको उस तरीके से काम बांटा जाएगा ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा सिस्टम लग पाए। इस स्कीम में गवर्नमेंट जो है वो लोन भी प्रोवाइड करेगी, लोन की भी जानकारी जो है वो पूरी वेबसाइट पे दी हुई है, तो अगर मान लीजिए किसी को लोन भी चाहिए तो लोन भी जो है इस स्कीम के तहत मिलेगा। इसमें जो है आपको जो भी इसमें काम करवाना है वो आपको ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा, और ऑनलाइन भी आप जो है ऑथोराइज वेंडर के थ्रू ही करवाएं। अभी मैं वीडियो में आपको शो करूंगा कि किस तरीके से आप वेंडर देख सकते हैं। पोर्टल बहुत ही क्लीन है, बहुत ही सीमलेस है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जब खोलेंगे पोर्टल को तो आप देखेंगे उसमें कि जो है आपका वेंडर लिस्ट भी उसमें है और सब्सिडी का जो स्कीम है वो भी उसमें दिया गया है। बहुत ही मतलब इजी है, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है ऑथोराइज वेंडर से ही काम करवाना है और बाकी जो है सारा काम ऑनलाइन होगा, तो किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने की कोई चांसेस आपके पास रहेगा नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये योजना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी आय 1 से 1.5 लाख के अंदर अंदर है सालाना। तो सबसे पहले तो जो पीएम आवास योजना वाले लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी आय कम है, तो वो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे। एप्लीकेशन अगर आप डालते हैं तो वो 1 करोड़ लोगों के घरों में जो भी आपका एलोकेशन होगा या जब भी आपका उसमें नंबर आएगा तो आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। और किसी भी तरह की आप जो है कन्फ्यूजन में ना रहे कि ये किसके लगेगा, कैसे लगेगा, कौन इसको लगाएगा, तो ये बहुत ही जो है इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे सारा डेटा डाला हुआ है, आप वहाँ से सारा सब कुछ पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी 1 किलोवाट पे 15,000 की स्टेट सब्सिडी है और 2 किलोवाट पे भी 30,000 की सब्सिडी है, ये मैक्सिमम सब्सिडी है, इससे ज़्यादा सब्सिडी भी नहीं दे रहे हैं, पर ये एक अच्छा जो है कदम है यूपी गवर्नमेंट का, ताकि इसमें क्या है कि जो उनको सेंट्रल से जो सब्सिडी मिल रही है उसके ऊपर स्टेट की भी सब्सिडी मिल रही है, तो ये एक ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा वो है। और आशा करता हूँ कि अदर जो स्टेट है वो भी जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उस पर कुछ ना कुछ सब्सिडी का जो है ज़रूर इसमें जो है पार्ट करेंगे या भागीदार होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये जो है चीज़ समझ आई होगी, थोड़े बहुत आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। अगर मैंने कुछ जानकारी नहीं दी हो या मैंने कुछ भी जो है छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जो है इसके जरूर जो है सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।